Good morning everyone, here's Jasmine with your second preparatory lecture and we are here to do your next chapter, I Wish I Was a Smartphone. Let's start with summary. Last summer, मैं और मेरे cousins ने अपने grand parents के घर visit किया in Ooty. Grandma ने हमारे लिए बहुत सारे arrangements कर रखे थे. We were happy with that. कुछ दिनों के बाद, we started watching TV and playing games. फिर मैंने देखा कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा बिकेम सैड. फिर मैंने डिसाइड किया टू गैदर इन ग्रैंड पेरेंट्स रूम एंड आई आस्क्ड टू टेल एवरीवन कि वो क्या विश करते हैं या क्या बनना चाहते हैं. आई सेड मैं पायलट बनना चाहता हूँ. दीता सेड वो टीचर बनके विलेज स्कूल हैंडल करना चाहती है. रोहन ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है. जेनी सेड काश मैं एक बर्ड होता. जब ग्रैंडमा की टर्न थी तो उन्होंने कहा काश मैं पोल्यूशन स्टॉप कर सकती क्योंकि वो हमारी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है. फाइनली अब ग्रैंडपा की टर्न थी. ही सेड काश मैं एक स्मार्टफोन होता. सो रोहन ने कहा कि वो स्मार्टफोन क्यों बनना चाहते हैं. देन ग्रैंडपा आंसर्ड क्योंकि आप लोग अपने स्मार्टफोन को बहुत प्यार करते हो. आप सारा दिन अपने स्मार्टफोन्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो पर हमारे साथ नहीं करते. आपको स्मार्टफोन चलाते हुए इतना भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ग्रैंडमा ने कहा कि जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो और आप टीवी देख रहे हो कार्टून पे तो उस टाइम आपको ये भी पता नहीं चलता है कि मैं स्लिप करके गिर गई थी. दिस वॉज द समरी. अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ. लेट्स रिवाइज द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है. व्हाट डिड ग्रैंडमा डू फॉर द किड्स. मतलब ग्रैंडमा ने बच्चों के लिए किड्स के लिए क्या किया. ग्रैंडमा कुक्ड द चिल्ड्रंस फेवरेट फूड. मतलब ग्रैंडमा ने चिल्ड्रंस का फेवरेट फूड फेवरेट डिशेस कुक की. व्हाट डिड ग्रैंडपा डू फॉर द किड्स. मतलब ग्रैंडपा ने किड्स के लिए क्या किया. ग्रैंडपा फाउंड ऑल टॉयज फॉर एंड बुक्स फॉर द किड्स. मतलब ग्रैंडपा ने बच्चों के लिए पुराने खिलौने और बुक्स ढूंढ के रखी. व्हाट डिड ग्रैंड पेरेंट्स बिकेम साइलेंट. द ग्रैंड पेरेंट्स बिकेम साइलेंट बिकॉज एवरी चाइल्ड वॉज बिजी इन वॉचिंग कार्टून्स एंड प्लेइंग गेम्स ऑन लैपटॉप्स. क्वेश्चन है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने शांत क्यों गए थे. ग्रैंड पेरेंट्स इसलिए शांत साइलेंट हो गए थे क्योंकि सब बच्चे बिजी थे कार्टून्स वॉच करने में और अपने लैपटॉप पे गेम्स खेलने में. व्हाट डिड ग्रैंडमा विश फॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंडमा की क्या विश थी. जब ऑथर ने सबसे अपनी विशेस पूछी तो ग्रैंडमा ने क्या विश किया था. ग्रैंडमा विश दैट वी कुड स्टॉप द पोल्यूशन एंड हार्मफुल गैस इन द एयर. तो ग्रैंडमा की विश थी कि काश मैं पोल्यूशन रोक सकती और जो हार्मफुल गैस एयर में होती है उसको हम ख़त्म कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड थिंग्स चेंज वंस द चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक. मतलब कि चीज़ें किस तरह बदल गई जब बच्चों ने अपनी गलती को माना. द चिल्ड्रन स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर दे रियलाइज देयर मिस्टेक. मतलब जब बच्चों को अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी उनको अपनी गलती पता लग गई तो उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताया. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट डिड ऑल द चिल्ड्रन विश टू बी. मतलब सब बच्चे क्या विश करते थे. रीता विश्ड टू बी अ टीचर. रीता ने क्या विश किया था कि काश वो एक टीचर होती. रोहन विश टू बी अ डॉक्टर एंड वॉन्टेड टू वाइप ऑल द सिकनेस. रोहन क्या चाहता था कि वो एक डॉक्टर बने और सारी सिकनेस को मिटा दे. थर्ड था जेनी विश टू बी अ बर्ड. जेनी ने क्या विश किया था कि काश वो एक बर्ड होती. और पॉइट ने क्या विश किया था. पॉइट विश टू बी अ पायलट एंड ज्वाइन द एयरफोर्स. तो पॉइट की क्या विश थी कि काश वो एक पायलट होता और एयरफोर्स ज्वाइन करता. थैंक यू.